एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 9 देखिए. प्रूव दैट द फंक्शन एफ इज गिवन बाय एफ एक्स. एफ एक्स मुझे गिवन है कितना है, एक्स माइनस वन, और मुझे उसकी डिफरेंसिबिलिटी कहां पर चेक करनी है, एक्स इक्वल्स टू वन पर चेक करनी है. ठीक है, तो डिफरेंसिबल कोई फंक्शन है या नहीं उसको करने की प्रोसेस क्या है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालिए और राइट हैंड डेरिवेटिव निकालिए. अगर वो दोनों आपस में इक्वल हैं तो वो फंक्शन डिफरेंसिबल है, और अगर वो इक्वल नहीं है तो हम क्या कहेंगे, वो फंक्शन डिफरेंसिबल नहीं है. ठीक है, करके देख लेते हैं हम. लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू सी क्या होता है, फॉर्मूला आप याद करिए, देखिए ध्यान दीजिए. लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच, माइनस में क्या, एफ सी अपॉन में क्या, माइनस एच. ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का. ठीक है, और राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू सी, ये प्यारे बच्चों फॉर्मूला हुआ करता है लिमिट एस टेंस टू जीरो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन में क्या, एच. ये देखो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला आपको याद रहेगा, तो आप बस सिंपल क्या करते हैं, यहाँ पर माइनस एच की जगह माइनस एच पुट कर दो, एच की जगह क्या, माइनस एच, तो ये आ गया. अगर यहाँ पुट किया तो यहाँ भी तो एच की जगह माइनस एच हुआ होगा, ये आ गया. तो राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला याद कर लो, ठीक, उससे किसका बन जाता है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का. ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए. लिमिट एच टेंस टू जीरो, ठीक, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू हमें कहाँ पर निकालना है, वन पर. ठीक, तो यानी कि सी की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन पुट कर दीजिए. एफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, वन माइनस एच माइनस एफ वन अपॉन में क्या, माइनस एच. सी की जगह क्या पुट कर दिया मैंने, वन पुट कर दिया. ठीक, अब ध्यान दीजिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ वन माइनस एच का क्या मतलब है. देखो एफ एक्स अगर वो यहाँ पर होता है तो ऐसे फंक्शन आता है, तो अगर एफ वन माइनस एच होगा तो क्या होगा, तो आंसर है एक्स की जगह हम क्या लिख देंगे, वन माइनस एच, ये लिख देंगे. ठीक है, पुट करिए यहाँ पर एक्स की जगह क्या, वन माइनस एच, और साथ में वहां पर क्या चल रहा है, माइनस वन माइनस. ठीक है, फिर से एफ की वैल्यू, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या रखनी है बताओ, वन, तो एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या रख दूँ, वन यहाँ रख दीजिए. बिल्कुल सिंपल है, ये एक्स की जगह लिखा गया ये, और फिर एक्स की जगह वन लिखा गया ये. ठीक, इसके बाद अपॉन में क्या चल रहा है बताइए, माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऐसे ही. ठीक है, ठीक, इसको सॉल्व करिए, वन से वन कैंसिल, क्या बचा, माइनस एच, माइनस वन माइनस वन क्या बन गया, जीरो, और अपॉन में क्या चल रहा बताइए, माइनस एच. इसको सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ये माइनस का एच इस मोड से बाहर आएगा तो कैसा बन जाएगा, प्लस का एच, और नीचे क्या चल रहा है, माइनस का एच, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, माइनस का वन. ये समझ आया आपको, बिल्कुल आसान है. ठीक, अब इसी को अब हम राइट हैंड डेरिवेटिव में चेक कर लेते हैं. कहाँ पर चेक कर रहे हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पर चेक करना है, क्वेश्चन में कहाँ पर बोला है, वन पर. इस बात का मतलब ये है कि जहाँ जहाँ सी लिखा हुआ है वहाँ पर क्या लिख दिया जाए, वन लिख दिया जाए. ठीक है, लिख देता हूँ मैं, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी, सी मतलब वन, वन रखना है, माइनस फिर से सी, सी मतलब वन, और अपॉन में क्या चल रहा है, एच, लिमिट एच टेंस टू जीरो. ठीक, इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब यह है कि x की वैल्यू क्या पुट कर दी जाए, वन प्लस एच, कहां पर, यहां पर. ठीक, तो पुट कर देता हूं वन प्लस एच, और माइनस में क्या चल रहा है, वन, x की जगह तो वन प्लस एच लिख दिया, और माइनस में क्या चल रहा है, वन माइनस. अब x की वैल्यू क्या पुट की जाए, वन, कहां पर, यहां पर. ठीक, पुट कर देता हूं वन माइनस वन, ये आ जाएगा, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एच. ठीक है, लिमिट एच टेंस टू जीरो, ऐसे ही. ठीक है, वन से वन कैंसिल, क्या बचेगा, एच, और अपॉन में क्या चल रहा है, एच, और ये वन से वन कैंसिल हो गया होगा, यहाँ तो जीरो बचा होगा,
ठीक। अब जब ये मोड से बाहर आएगा h, तो इसका आंसर क्या आएगा, h अपॉन h कितना 1। तो आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला, राइट हैंड डेरिवेटिव निकाला, और आपने देखा कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 किसके इक्वल नहीं आया, राइट हैंड डेरिवेटिव एट x इक्वल्स टू 1 के। तो इसलिए हम कहेंगे कि जो गिवन फंक्शन है वो क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। ये बिल्कुल सिंपल है, ठीक। तो लास्ट वीडियो में या लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या दिखाया था कि कोई भी फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है, जब उसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर चेक किया तो ये इक्वल नहीं आए, इसका आंसर माइनस वन आया, इसका वन आया, तो क्योंकि ये इक्वल नहीं है इसलिए फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये समझ आया, ठीक। अब इसके बाद एक और आसान वाला क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन डिफाइंड बाय दिस इज नॉट डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। दो जगह करना है, तो ध्यान दीजिए। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जब क्वांटिटी बच्चों के सामने आती है तो उनको ये समझ में आना चाहिए कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, ठीक। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए मैंने आपके लिए एक नोट लिखकर दिया है यहाँ पर, वो नोट आप याद रखिए। क्या लिखकर दिया है, द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन टेक्स अ रियल वैल्यू एज इनपुट एंड आउटपुट्स द नियरेस्ट इंटीजर विच इज इक्वल्स टू और लेस देन द नंबर। इस बात का क्या मतलब है, सुनिए आप ध्यान से। सपोज करिए कहीं पर लिखा हुआ है 0.9, ठीक है, कहीं पर लिखा हुआ है 1.5, कहीं पर लिखा हुआ है 2.3, ऐसे ये मैंने आपके सामने कुछ नंबर लिखे इस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर, ठीक। अच्छा, तो 0.9 में 0.9 से लेस वाला इंटीजर कौन सा होगा, 0.9 से लेस वाला इंटीजर, तो आंसर है इससे कम वाला इंटीजर कौन सा होता होगा, -1। कौन सा होता होगा, -1। इस बात का मतलब देखिए, सुनिए आप ध्यान से। यहाँ पर 0 लिखा, यहाँ -1 लिखा, यहाँ -2 लिखा, 1, 2, 3, ठीक। ये नंबर आपके सामने आया तो 2.3 में से, ठीक है, 2.3 में से इसका जो नियरेस्ट लेस वाला जो इंटीजर होगा वो कौन सा होगा, तो आंसर है 2.3 कहां पर लाई करता होगा, यहां पर कहीं। 2.3 से लेस वाला नियरेस्ट इंटीजर कौन सा होगा, बिल्कुल सिंपल है। तो इस चीज का आंसर कितना आएगा, 2, ठीक। फिर से 1.5 कहां पर होगा, 1.5, तो आंसर 1.5 1 और 2 के बीच में यहां कहीं होगा। इससे लेस वाला नियरेस्ट इंटीजर, लेस वाला कौन सा होगा, 1। तो इस चीज का आंसर कितना आता होगा, 1। फिर से 0.9 कहां पर लाई करता होगा, तो 0.9 यहां कहीं लाई करता होगा, यहां। तो 0.9 से लेस वाला इंटीजर कौन सा होगा, तो आंसर क्या लिखना चाहिए मुझे, 0, ठीक। फिर से माइनस का 0.1 ये कहीं पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, माइनस का 0.1। तो आप सोचो माइनस का 0.1 कहां पर आता होगा, तो माइनस का 0.1 यहां आता होगा। इससे लेस वाला इंटीजर कौन सा होगा बताइए, -1। कैसा, -1। ये और करके दिखाता हूं, एक रैंडम लिखता हूं, माइनस का 2.3 लिखा मैंने कहीं पर ऐसा, ठीक। अच्छा, तो बताओ इसका 2.3 माइनस का कहां पर लाई करता होगा, तो माइनस का 2.3 यहां कहीं लाई करता होगा, ठीक, इसके बीच में। अब इससे लेस वाला, लेस वाला होना चाहिए, तो लेस वाला इंटीजर बताओ कौन सा होता होगा, -3। ये तो इसका आंसर कितना आएगा, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये जो ऑपरेटर यहां पर लगाया गया है ये किसको दिखाता है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, और जिसका आंसर क्या होता है, या तो वो इक्वल हो, नियरेस्ट इंटीजर या तो वो इक्वल हो या उससे लेस हो। इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये है कि अगर कहीं पर 1 लिखा हो, 1, तो इसका आंसर क्या आएगा, तो आंसर है कि अगर यहां पर 1 पर ही हम हैं तो 1 के इक्वल या नियरेस्ट यही वाला होगा, ठीक है। तो 1 का आंसर आप क्या लिखेंगे, 1। लेकिन अगर 1.1 आ जाए तो क्या लिखेंगे बताइए, 1। और लेकिन अगर 0.9 आ जाए तो 0.9 के लिए क्या लिखोगे, 0।
ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और वन पर अगर आ जाता हो तो क्या लिखोगे, वन, ठीक। ये तो मैंने आपको बात समझा दी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की, ठीक। लेकिन अब इस क्वेश्चन में मुझे ये प्रूव करना है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू वन पर एंड एक्स इक्वल्स टू टू पर। तो पहले मैं आपको करके दिखाता हूँ एक्स इक्वल्स टू वन के लिए, फिर चलेंगे एक्स इक्वल्स टू टू के लिए, ठीक। फंक्शन, फंक्शन मेरे पास क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक, लिख लिया। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे बताइए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर, एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पर निकालेंगे, वन पर। अच्छा, जनरल फॉर्मूला पहले लिखकर दिखाता हूँ, एक्स इक्वल्स टू सी के लिए बताइए फॉर्मूला क्या होता है। तो आंसर है लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी माइनस एच माइनस में एफ सी अपॉन में क्या, माइनस एच। ये फॉर्मूला होता है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का। अच्छा, राइट हैंड डेरिवेटिव का बताना क्या होता है। तो राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू सी इज गिवन बाय लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ, बताइए, सी प्लस एच माइनस एफ सी एंड अपॉन में क्या, एच, ये हुआ करता है, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्वेश्चन किसके लिए करना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू पहले किसके लिए कर रहे हैं, वन के लिए। इस बात का क्या मतलब हुआ कि सी की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन, ठीक, कर देते हैं। लिमिट लिमिट एफ वन माइनस एच, फिर से सी की वैल्यू क्या पुट कर दो यहाँ पर, वन, और अपॉन में क्या, माइनस एच, ठीक है। सॉल्व कर दीजिए, सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो ऐसे ही, ठीक है। एफ वन माइनस एच का मतलब क्या है कि x की जगह क्या पुट कर दिया जाए, वन माइनस एच, तो यहाँ पर x की जगह वन माइनस एच पुट कर दिया मैंने, वन माइनस एच, माइनस में बताइए क्या चल रहा है, एफ वन, तो x की जगह यहाँ पर वन पुट कर दीजिए, ये पुट कर दिया, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या, माइनस एच, ठीक। ये बात आ रही है आपको समझ में। अब इसके बाद ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली बात बताने जा रहा हूँ, लिमिट, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, तो अगर कहीं पर 1 माइनस एच लिखा हो, 1 माइनस एच, 0 माइनस 1 माइनस 2 इस तरह से 1 माइनस एच कहीं पर लिखा हो, तो 1 माइनस एच लिखा होगा तो यहाँ कहीं लाई कर रहा होगा, ठीक। तो उससे नियरेस्ट जो इंटीजर होगा वो कौन सा वाला होगा, लेस वाला, 0। तो इसका मतलब इस चीज का आंसर क्या आता होगा, मतलब 1 माइनस एच का कोई एक एग्जाम्पल सोच लो तुम अपने दिमाग में, 0.9, 1 में से कुछ कम करेंगे तो कहाँ पर पहुँच जाएंगे, कहीं 0.9 पर, और 0.9 का लेस, 0.9 कहाँ लाई कर रहा होगा ये, और इससे कम वाला लेस वाला इंटीजर कौन सा होता होगा, 0। तो इस चीज़ का आंसर क्या आएगा, 0। ऐसे यहाँ पर 1 माइनस एच मतलब 1 से इधर कहीं पर लाई कर रहा होगा, तो उससे नियरेस्ट लोअर वाला इंटीजर कौन सा होगा, 0, तो ये लिख लेंगे, ठीक। अच्छा, अब इसका आंसर बताइए क्या होगा, तो 1 पर आंसर क्या आएगा, 1, ये, और अपॉन में क्या चल रहा है, माइनस एच, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंस टू जीरो माइनस 1 अपॉन में माइनस एच चल रहा था, माइनस से ये माइनस कट गया होगा, क्या बचा, 1 अपॉन एच। अब एच टेंस टू अगर यहाँ 0 कर दोगे तो ये आंसर कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड, ये एक आंसर आया, ठीक। अब हमें कहाँ पर चेक करना है, राइट हैंड डेरिवेटिव पे। एक बात आप याद रखिए कि क्योंकि फंक्शन हमारा कैसा हो चुका है, अनडिफाइंड, तो जब भी फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है तो वो फंक्शन डिफरेंशिएबल तो हो ही नहीं सकता, ये बात आप याद रखिए। तो ये प्रूफ तो यहाँ पर ही हो चुका है, लेकिन मैं फिर भी राइट हैंड डेरिवेटिव आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू वन पर हमें करना है, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ सी की वैल्यू क्या पुट करनी है, वन, माइनस फिर से सी की वैल्यू वन अपॉन एच, एक्स इक्वल टू वन के लिए निकाल रहे हैं। नाउ लिमिट एच टेंस टू जीरो ऐसे ही, ठीक है। एफ वन प्लस एच का क्या मतलब है कि एक्स की जगह यहाँ पर क्या लिख दिया जाए, वन प्लस एच, तो यहाँ पर लिख दो वन प्लस एच, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ऑपरेटर लगा दिया। माइनस यहाँ पर वन की एक्स की जगह क्या रख दिया जाए, वन रख दिया जाए, ठीक, और अपॉन में क्या चल रहा है, एच। अब मुझे बताइए कि अगर आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन समझ पाए हैं
तो 1 प्लस एच करेंगे, मतलब ऐसा सोच लो 1.2 करेंगे, तो बताओ आंसर क्या आता होगा, बोलिए 1, क्या आएगा आंसर 1। 1.2 कहाँ लाई करता होगा, तो आंसर 1.2 यहाँ कहीं लाई करता होगा, इसके बीच में, इससे लेस वाला इंटीजर कौन सा होगा 1, ठीक। तो इसी तरह से आप यहाँ सोचिए कि 1 प्लस एच का मतलब क्या होगा, उसका इंटीजर लेस वाला कौन सा होगा 1, ठीक। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा 1, अच्छा माइनस इसका आंसर भी कितना आएगा 1, और अपॉन में क्या चल रहा है एच, तो ये आंसर कितना आ गया 0। तो क्योंकि वैसे भी तो यहाँ पर भी ये डिफरेंशिएबल नहीं दिखा रहा था, लेकिन आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है, डिफरेंशिएबल नहीं, इज नॉट डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू 1। ये समझ आया आपको, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को हमें कहाँ पर करना है, एक्स इक्वल्स टू 2 के लिए करना है, तो x इक्वल टू 2 के लिए देख लीजिए क्या होगा, फंक्शन हमारे पास क्या है, फंक्शन है हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक। अच्छा आप ध्यान दीजिए यहाँ पर, इसको मैं एक जनरल टर्म बताता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में अगर कहीं पर लिखा हो 1 प्लस एच तो उसका आंसर तो ये वाला होता है, अगर यहाँ प्लस का साइन हो तो उसका आंसर ये वाला होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात बता रहा हूँ। और अगर 1 माइनस एच लिखा हो तो इससे एक जो कम वाला इंटीजर होगा उसका वो आंसर होता है, बिल्कुल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है। इसी तरह से बताना मुझे, अगर प्रैक्टिस कराऊं तो 2 प्लस एच का आंसर बताना क्या होता हुआ, तो आंसर अगर प्लस का साइन आ रहा था तो यही वाला आंसर होता है जो आगे लिखा है, ठीक है। और अगर कहीं पर 2 माइनस एच लिखा हो सर तो आंसर है जो इससे, ये जो नंबर है इससे एक कम, बिल्कुल सिंपल सी बात बता दी मैंने आपको, ठीक। अच्छा चलिए सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कहाँ पर निकालना है एट x इक्वल्स टू 2, तो क्या होता है फॉर्मूला, लिमिट h टेंस टू 0 f c प्लस h, c की वैल्यू कितनी 2, अच्छा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं तो c माइनस h होता हुआ, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 माइनस h, माइनस में f c मतलब f 2, और अपॉन में क्या माइनस h, ये लिखेंगे, ठीक। ये समझ आ रहा है। अब इसके बाद लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। यहाँ पर 2 माइनस एच पुट करिए, तो 2 माइनस एच, माइनस में क्या f2 की वैल्यू, मतलब x की वैल्यू 2 पुट कर दीजिए यहाँ पर, ठीक, और अपॉन में माइनस एच, लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। 2 माइनस एच कितना, तो वो मैंने आपको वहाँ पर करके दिखाया कितना होता है 1, 2 में से कुछ भी कम होगा तो उससे लेस वाला इंटीजर 1 होगा, ठीक। माइनस 2 का आंसर कितना आएगा 2, और अपॉन में क्या माइनस एच, इसको सॉल्व करिए, लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस 1 अपॉन में क्या माइनस एच, माइनस से माइनस कट गया, और जब एच टेंस टू 0 करोगे तो आंसर कितना आएगा अनडिफाइंड, ठीक। अब ये फंक्शन यहीं पर प्रूफ हो चुका है कि ये डिफरेंशिएबल नहीं है, क्योंकि आंसर क्या आ रहा है अनडिफाइंड, लेकिन फिर भी हम चलिए राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। राइट हैंड डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू कहाँ पर, 2 पर चेक करना है, क्या होता है राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला, हाँ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ सी प्लस एच, सी मतलब 2 प्लस एच, माइनस एफ सी मतलब एफ 2, और अपॉन में क्या एच, ठीक है। लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है, लिमिट एच टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है। अब एफ 2 प्लस एच मतलब कि x की वैल्यू 2 प्लस एच रख दें, माइनस 2 रख दीजिए यहाँ पर, ये आ जाएगा, और अपॉन में क्या h, ठीक। लिमिट h टेंस टू 0 ऐसे ही, ठीक है, 2 प्लस h करते हैं तो क्या आता है 2, ठीक, तो यहाँ 2 लिखा, माइनस 2, इसका आंसर भी 2, अपॉन में क्या h, तो आंसर कितना आ जाएगा 0। तो क्योंकि ये फंक्शन की लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव आपस में इक्वल नहीं है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, ठीक है, एट x इक्वल्स टू कहाँ पर 2 पर, इसलिए ये फंक्शन क्या नहीं है, एफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, एट x इक्वल्स टू 2। ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन हो गया। तो आपने दो क्वेश्चन देखे, एक तो क्वेश्चन नंबर देखा 9, ठीक है, जिसमें आपने लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव निकाले,
अगर वो इक्वल नहीं आई तो आपने कह दिया ये डिफरेंशिएबल नहीं है। इसी तरह से आपने क्वेश्चन नंबर 10 समझा, जिसमें आपने देखा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव इक्वल नहीं है, इसलिए वो डिफरेंशिएबल नहीं है। और आपने साथ में क्या समझा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन किसे कहते हैं। ठीक है।